Hello students, welcome to online classes for social studies again. In the last video, we studied about 29 states, 7 union territories and their capitals. Now, today we will study about central government and state government. Now, look in your books, page number 23. First, we have central government. Okay, we have a government that runs the country. हमारे पास क्या है, एक government है जो हमारे देश को चलाती है. We call it the central government or the union government. और इसको हम क्या कहते हैं, central government या union government. Okay, इसको हम क्या बोलेंगे, central government बोलेंगे या union गवर्नमेंट बोलेंगे. ये हमारे देश को चलाने वाली गवर्नमेंट है. द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट. ही हैज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेल्प हिम. ये इसको क्या कर, इसको जो हेल्प करने वाले जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को देश को चलाने के लिए हेल्प करते हैं. The head of the these ministers is called the prime minister. और जो इन ministers का जो head होता है उसको हम क्या कहते हैं, prime minister. Okay बच्चों, उसके बाद देखिए आगे जो page है उसके अंदर हम आगे देखिए पढ़ेंगे. The capital of country is a place from where the central government operates. हमारे देश का जो capital है उस जगह से जो central government है वो हमारे देश को ऑपरेट करती है. हमारे देश का जो कैपिटल है उस जगह से, उस प्लेस से सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमारे देश को ऑपरेट करती है. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली क्या है, हमारे देश का, इंडिया का कैपिटल है. द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव देयर ऑफिसेस इन द नेशनल कैपिटल. हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं एंड ऑल जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स जो सेंट्रल वहां को कहां पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो कहां पर हैं, नया हमारा जो कैपिटल है और जिनके ऑफिसेस हैं वो सब कहां हैं, हमारे कैपिटल में हैं. ओके बच्चों, तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात हो गया. नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट. ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन गवर्नमेंट कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट. हमारे जो इंडिया का हर स्टेट के अंदर अपना खुद का एक गवर्नमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट. द हेड ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड द गवर्नर. और जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं गवर्नर. ओके बच्चों, ही हैज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेल्प हिम. और इसको, इसके पास भी क्या होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं. जो हमारा जो गवर्नर है, स्टेट गवर्नमेंट का जो गवर्नर है, इसको कौन हेल्प करता है, काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, वो हमारे गवर्नर को हेल्प करते हैं. द हेड ऑफ दिस मिनिस्टर्स इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर. और जो इन मिनिस्टर्स का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री. ओके, जैसे हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत. ओके, ये हमारे इन मिनिस्टर का हेड है. ईच स्टेट हैज इट्स ओन कैपिटल. और अलग अलग हमारे जो हर स्टेट है उनका अपना एक कैपिटल होता है. जैसा हमारा कैपिटल क्या है, राजस्थान स्टेट का कैपिटल क्या है, जयपुर. ओके बच्चों, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ऑफिसेस इन द स्टेट कैपिटल. और जितने भी गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और अदर जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनका जो ऑफिसेस हैं वो कहां पर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट कैपिटल के अंदर. जैसे हमारा जयपुर है, वहां पर हमारे ये जितने भी ऑफिशियल्स जो ऑफिसेस हैं वो सब स्टेट कैपिटल जयपुर में है.
सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर नॉट अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट। और देखिए कुछ ऐसा हमारी कंट्री का एक कुछ पार्ट ऐसा पार्ट्स ऐसे हैं जो किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं। दे आर डायरेक्टली अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। और वो कहाँ डायरेक्टली किसके अंदर होते हैं? यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। दे आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज और उनको हम क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज कहलाते हैं। ईच यूनियन टेरिटरी हैज इट्स ओन कैपिटल और प्रत्येक यूनियन टेरिटरी का अपना एक कैपिटल होता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये क्या है? एक बहुत बड़ा यूनियन टेरिटरी है। एंड लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट और लक्षद्वीप सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी हमारे देश में है। ओके बच्चों, तो आपको ये समझ आया कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट काम करती है और किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश को चलाती है। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके कुछ मोस्ट जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में और जो इनके कुछ क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी। और तब तक आप इस लेसन को एक बार और रीड कीजिए और उसको अच्छे से समझिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।